लोकसभा चुनाव का आगाज हो गया है, तमाम पार्टियां अब तैयारियों में जुट गई हैं। एक तरफ एनडीए गठबंधन है तो दूसरी तरफ पीडीए गठबंधन है। चाय की दुकान पर अगर राजनीति की चर्चा ना हो तो ये बेईमानी होगी। तमाम लोग चाय की दुकान पर बैठते हैं और राजनीति की बात करते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश हमेशा से राजनीति को लेकर चर्चा में रहा है और उत्तर प्रदेश ही ऐसा राज्य है जो दिल्ली का रास्ता तय करता है। आखिर लखनऊ में एनडीए गठबंधन भारी है या पीडीए गठबंधन, ये हम जनता से जानेंगे कि उनकी क्या राय है। चुनाव करीब आ गया है, क्या लगता है कौन इस वक्त भारी है? इस वक्त भारतीय जनता पार्टी है, वो भी कहो किस लिए, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास लेके चल रही, नंबर एक। नंबर दो, आप आ जाइए ये इस इंडिया पीडीए गठबंधन में। पीडीए गठबंधन में अखिलेश जी दलित के ओबीसी का और जो है मुसलमान का नारा देते हैं और राज्यसभा जाती हैं कृष्णा पटेल, क्या जय अरशद मदनी मौलाना को राज्यसभा नहीं भेज सकते थे या कृष्णा पटेल को नहीं राज्यसभा भेज सकते थे जो मुसलमानों की दिशा और दशा तय करने वाले अरशद मौलाना? नहीं तो यहाँ से राजनाथ सिंह कैंडिडेट हैं एनडीए के और पीडीए से आपके जो विधायक हैं रविदास मेहरोत्रा, तो क्या लगता है इन दोनों में आपकी बात फाइट है या एक तरफा रहेगा माहौल? राजनाथ सिंह एक विचारधारा है और राजनाथ सिंह जी हिंदू मुसलमान की सबकी कदर करते हैं और विकास मॉडल पुरुष हैं और यहाँ से राजनाथ सिंह कम से कम 4 लाख वोटों से जीत के जाएंगे। और हम एक चीज़ आपको बता दें, यहाँ गठबंधन तमिलनाडु में और केरल में इंडियन मुस्लिम लीग पार्टी से गठबंधन, जम्मू कश्मीर में मुफ्ती महबूबा और फारूक अब्दुल्ला से गठबंधन, गुलाम नबी आज़ाद वहाँ भी किनारे, आसाम में। अभी आपसे आके बात करते हैं, आप बताइए, काफ़ी अनुभवी दिख रहे हैं, पुराने दिख रहे हैं, क्या लगता है इस बार किसका पल्ला भारी है? अब सबसे बड़ी बात है कि आपके चैनल पर भाजपा के प्रवक्ता बोल ही रहे थे। नहीं, ये तो चाय पीने आए हैं। सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास की बात करते हैं, इनको खुद ही नहीं पता कि सबका साथ माने क्या होता है, सबका डेवलपमेंट माने क्या होता है, सबका विश्वास। कितने लाखों घर उजड़ गए, लाखों घर बेघर हो गए लोग, सारे 10 साल में कम से कम 18 करोड़ नौजवानों का भविष्य खतरे में पड़ गया, मिट गया। अब सबका विश्वास की भी बात है। अभी आपने कहा कि साहब विकास, अब लखनऊ में आप भी बहुत दिन से हैं, लखनऊ में हम लोग भी बहुत दिन से हैं, यहाँ गुजरात मॉडल का कुछ ऐसा लखनऊ में अनोखा छाप दिखाई नहीं देता, जिस जो छाप जो है, जो प्रतिबिंब जो है, विकास के मॉडल को सिद्ध करता हो। तो ऐसा आप ये हमें बताइए कि आखिर आपका कहना है कि विकास नहीं हुआ, जो भी है, पीडीए ऐसा क्या काम कर रही कि आपको लग रहा है कि अब की बार आ सकती है सत्ता में? पीडीए सत्ता पक्ष का विकल्प है, इंडिया गठबंधन 10 साल से पूरे हिंदुस्तान की सम्मानित जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास किया, भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रायोजित विकास को देखा, बच्चों के भविष्य को देखा, किसानों का एमएसपी को देखा, बिजली प्रोजेक्टों को देखा। लखनऊ में कौन भारी है, लखनऊ में कौन जीत रहा है, राजनाथ सिंह या जो विधायक है रविदास मेहरोत्रा? जीत कौन रहा है, जीत का तो मैं भविष्यवक्ता नहीं हूँ। नहीं, क्या लगता है किधर ज्यादा रुझान रहेगा? रुझान तो आप देख ही रहे कि रुझान अगर व्यक्ति पर हो तो विधा प्रभावित होती है, रुझान अगर केवल एक व्यक्ति के आकर्षण में अगर समायोजित हो जाए तो भविष्य खतरे में पड़ जाता है। तो कहने का मतलब विकास का कोई बात नहीं है, बात तोड़ जोड़ का है, बात धार्मिक उन्माद का है, बात जातीय उन्माद का है, बात जो है भारत तोड़ने की है। तो अब इसमें जो जीतना बेहतरीन ढंग से इस देश का सत्यानाश कर सकता है
वही विश्वास है, वही विकास है। युवा वोटर को भी काफी इस टाइम देखा जा रहा है, उनसे काफी उम्मीद है। आप भी युवा लग रहे हैं, क्या लगता है कौन इस वक्त भारी है? देखिए, लखनऊ की बात है अगर, तो माननीय राजनाथ सिंह एक लखनऊ के सांसद भी रहे और रक्षा मंत्री रहे, लेकिन आप बताइए लखनऊ की जनता के बीच कब रहे? वो हमेशा आए हैं एयरपोर्ट से, आए हैं व्यापारियों से मिल के, लखनऊ में आए सिर्फ फीता काटा, फोटो खिंचवाया, चले गए। और लखनऊ की अगर प्रत्याशी बात है, समाजवादी पार्टी रविदास मल्होत्रा नंबर एक पे आगे चले, क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा समाजवादी पार्टी में बॉलीवुड से ज़्यादा उतरते थे, लेकिन समाजवादी पार्टी इस बार जमीनी नेता को उतारा है। रविदास मल्होत्रा ऐसे नेता हैं जो जनता के बीच जाते हैं, सुख दर्द में खड़े होते हैं, और देश की जनता, प्रदेश की जनता इस बार मोदी सरकार को करारा जवाब देगी। और रविदास मल्होत्रा की बात है, लखनऊ से रविदास मल्होत्रा 5 लाखों वोटों से जीतेंगे। तो रविदास मल्होत्रा ऐसे नेता हैं कि जो जब भी गरीबों की मजली, जो भी बस्तियां उजाड़ी गई, हमेशा साथ खड़े रहे। क्या लगता है कि NDA जो है वो दावा कर रही है कि 400 पार के यार जाएगी, और आप कह रहे हैं कि PDA के जो कैंडिडेट हैं वो जीतेंगे, तो ऐसा PDA ने क्या किया कि लोग उनको वोट दें? देखिए, PDA ने बहुत कुछ किया है। PDA ने जो किया वो भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ फीता काटा है। PDA ने समाजवादी सरकार में 108 एम्बुलेंस चलाई, 112 जो पुलिस की गाड़ी वो चलाई, लखनऊ 1090 जो है वो बनवाया, लखनऊ स्टेडियम। आप बताइए, जो विपक्ष है वो आरोप लगा रहा है कि सत्तारूढ़ पार्टी ED और CBI तमाम लोगों का सहयोग लेके कमज़ोर कर रही है। अभी सिटिंग जो CM है वो भी गिरफ्तार हुए, तमाम लोग हुए, तो विपक्ष इसका विरोध भी कर रही है, तो क्या लगता है कि इसका असर कितना पड़ेगा? देखिए, हम आपको बता दें, अन्ना हजारे के तब पे और लहू पे जो है अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बने थे, और वो कोई तपस्या से नहीं आए थे। और दूसरी बात रही है, ये जो PDA का नारा दिया जाता है, इसमें अरशद मदनी मौलाना जो मुसलमानों की दिशा और दशा तय करने वाले हैं, क्या उनको राज्यसभा भेजा गया, या कांग्रेस के पास कोई उत्तर प्रदेश का जिम्मेदार चेहरा मुसलमान को? मदनी के आप फैन है क्या? क्योंकि अरशद मदनी का बहुत आप नाम ले रहे हैं, अरशद मदनी के फैन है क्या? नहीं है, जो मुसलमानों की दिशा और दशा तय करते हैं, मुसलमानों की हमदर्दी में उतरते हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं, हमारे फैन कोई नहीं। 20% मुसलमानों के नाम पर अगर टिकी है तो समाजवादी टिकी है, देश में टिकी है तो कांग्रेस टिकी है, फिर भी मुसलमानों को ठगा जा रहा है। कौन से मुसलमानों के पास बड़ा चेहरा है? और भी लोग हैं, बुजुर्ग हैं, उनसे भी हम जानेंगे कि आखिर क्या असर पड़ने वाला है इस बार के चुनाव में। बताइए, अरे क्यों वो कर रहे हैं, आप इधर आइए। तो तमक बहुत ऐसे लोग होते हैं जो बोलने से भी कतराते हैं। ये काफ़ी पुराने लग रहे हैं, आपसे अभी बात भी हुई, आप कहीं ना कहीं NDA को लेकर काफ़ी नाराज़ नज़र आ रहे हैं। 2024 चुनाव किन मुद्दों पर होना चाहिए, आपके क्या राय है? मुद्दा क्या है? 10 साल पहले 2 बार चुनाव हुआ है, 2 पंचवर्षीय योजना में भाजपा के पास कौन मुद्दा था? उत्तर प्रदेश में मुद्दा की तो बातें मत करिए, अगर मुद्दा की बात होती तो उत्तर प्रदेश देश का सबसे नंबर 1 का प्रदेश होता। यहां तो जात की बात होती है, अब बच गया तो धर्म की बात होती है। यहां जब चुनाव आता है तो हम विकास की बात करते हैं, 365 दिन हम विकास का जिक्र नहीं करते, जब वोट आ गया तो विकास की बात करने लगते हैं। अभी सबसे बड़ा चीज है कि सरकार बतावे ना कि 5 साल में कब कब विकास की बात की है। अब तो आपके हिसाब से क्या मुद्दे होने चाहिए? यहाँ उद्योग धंधे का मुद्दा होना चाहिए, यहाँ बड़ी बड़ी बड़े बड़े स्टील प्लांट बैठने चाहिए, यहाँ बड़े बड़े लोहा की फैक्ट्रियाँ बैठनी चाहिए, यहाँ बड़े बड़े कार्बन की फैक्ट्रियाँ बैठनी चाहिए, यहाँ तमाम ऑप्शन है उत्तर प्रदेश के पास, तमाम व्यवस्था है उत्तर प्रदेश के पास। लेकिन अब सबसे बड़ी बात है कि हम विकास की बात तो कर ही नहीं सकते, इसलिए कि विकास ही मेरा पाप है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि विकास की बात इनसे न करिए, इनसे ये बात करिए कि इनको प्रधानमंत्री बना दीजिए, इनकी बहुमत की सरकार बना दीजिए, ये अपना इसी तरह सबको जेल भेजते रहे, बस इनका यही उपलब्धि है। तो ये तमाम लोग हैं जो अपनी अपनी राय व्यक्त कर रहे हैं, क्योंकि अब लोकसभा चुनाव
करीब है और तमाम पार्टियां तैयारियों में जुट गई हैं। आखिर इस बार 2024 लोकसभा चुनाव में किसकी सरकार बनती है, क्योंकि एनडीए इस वक्त मजबूत स्थिति में है और वो दावा कर रही है 400 के पार इस बार सीट लाएगी। वहीं पीडीए की बात करें तो पीडीए तमाम छोटे बड़े दलों के साथ गठबंधन करके इस बार उत्तर प्रदेश सहित देश के तमाम हिस्सों में चुनाव लड़ रही है। तो देखना ये होगा कि आखिर किसका पल्ला भारी होता है, क्या राहुल गांधी बाजी मारते हैं या फिर नरेंद्र मोदी का जो मैजिक है वो इस बार भी कायम रहेगा। कैमरा पर्सन पंकज निगम के साथ कफीलुर रहमान, भारत समाचार, लखनऊ।